वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम लोग लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के तो हैं, लेकिन साथ साथ इसमें वेंट ऑफ फैक्टर आई भी इंक्लूड है। अभी तक मैंने आपको पुरानी वीडियोज में न्यूमेरिकल तो कराए थे, बहुत सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी न्यूमेरिकल कराए थे, लेकिन आज हमारे साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है वेंट ऑफ फैक्टर आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। इस तरह के न्यूमेरिकल हम आपको कराने वाले हैं लगातार वीडियोस में, तो बने रहिए, कहीं मत जाइए हमारे साथ और वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल नंबर वन पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देन आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर वन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 1 लीटर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। मोलर मास दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, देखिए, और सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ओके, तो दे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, हम आपको बात करने वाले हैं, यहां देखो सॉल्यूशन और यहां देखो गिवन, क्या क्या गिवन डाटा है, ध्यान देना। हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, पाई कैलकुलेट करना है आपको, व्हाट इज द पाई, पाई कैलकुलेट करना है ना। एक्वा सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 1 लीटर, वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, एट 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर हो गया 273 प्लस, ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं, मोलर मास दिया हुआ है, एमवी दिया हुआ है आपका 11.1 मतलब 111, और आर दिया हुआ आप लोगों को 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो यूनिट मैच करने की बात आती है हमारे सामने, यूनिट हमें मैच करनी चाहिए। और इसमें आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन में कब आई लगता है और कब आई नहीं लगता, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है आप लोगों के साथ कि सर कब आई लगाएं, हमें समझ ही नहीं आता है आई कब लगाना है कब नहीं लगाना है। देखिए मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर बताया था, वहाँ आपको समझाने की कोशिश की थी कि आई की तीन वैल्यूज होती हैं, आई इज इक्वल टू 1 सॉल्यूट, न तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है। दूसरी कंडीशन आएगी आई इज ग्रेटर देन 1, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिसोसिएशन। आई नंबर आई इज लेस देन 1 मतलब कंडीशन ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि आई हमें कब यूज करना है। तो आंसर है इसका कि आई को जब हम यूज करते हैं उसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि व्हेन सॉल्यूट इज आइदर एसोसिएट और डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। आपको कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट अगर दिया हुआ है तो 100% डिसोसिएट या एसोसिएट होगा, आप लोगों को आई इंक्लूड करना है। जहां नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाए वहां आई नहीं लगेगा, या किसी भी सॉल्यूट का आपको नाम दिया जाए और आपको लगे कि वो आयनिक है तो आप उसके अंदर आई का इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, आपको पाई कैलकुलेट करना है, लेकिन डाटा हमारे पास क्या क्या दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, एम भी दिया है, टी दिया है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है। इस तरह से हमें समझ में आता है कि आई के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए आई इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर ओपनली दे रखा है कि सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। अगर सॉल्ट पूरी तरह डिसोसिएट होता है तो 100% आपको आई लगाना ही पड़ेगा। और कैसे आई निकालते हैं एक बार मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। और इसकी फर्दर डिटेल के लिए आप आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी पुरानी वीडियोज मैंने बनाई हुई है कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, उसके अंदर आप आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो डाटा दिया है उस बेसिस पे फॉर्मूला लगाना है पाई का। तो देखिए हमारे पास डब्ल्यू बी ओवर एम बी दिया हुआ है, तो हम लोग पाई का फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, पाई इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो आई आएगा, आई जरूरी है, इनटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, चूंकि ये सब डाटा दिया हुआ है, इनटू 1 अपॉन वी इन लीटर इनटू आर इनटू टी, ठीक है। फॉर्मूले हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, ये हो गया। अब बात करेंगे इसमें आगे, ठीक है, पाई कैलकुलेट करना है, हाँ आई कितना लगेगा, एक्चुअल में ये क्या है CaCl2, जब ये आयोनाइज होता है तो Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl
नेगेटिव, ध्यान देना CA2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। यहां पर आप देखेंगे कि हम एक मोल लेके चले थे तो एक और दो तीन मोल मिल जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं डिसोसिएशन के दौरान। तो एक लेके चले थे कितने हो गए, तीन हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तीन गुना हो जाएगी, मतलब आई कितना हो जाएगा तीन गुना। आई का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि कोलिगेटिव ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कितनी हो रही है, दो और एक तीन, तीन और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितना है वन, यानी एक मोल आप इनिशियली लेके चले थे, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए तीन। तो आई के कई सारे फॉर्मूले बताए थे, तीन फॉर्मूले हमने आपको वेरीफाई करके बताए थे। मैं फिर कोशिश करता हूँ समझाने की कि यहाँ पर आई का एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो आई में कितने मोल्स डिसोसिएशन रूप में है, तो एक और दो तीन अपॉन क्या आता है, इनिशियली कितने लेके चले थे वन, तो आई कितना हो गया तीन। तो आई आप लोगों को कैलकुलेट करना आ गया, आई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, ये आप लोगों को समझना होगा। ठीक, इसमें अल्फा कैसे निकालते हैं और मैथ के साथ ही मैं आपको बताऊंगा, मैंने वीडियो बता दिया पुराना। तो देखिए आई यहाँ पर हमने लगाया तीन, डब्ल्यू भी हमारे पास 11.1 अपॉन 111 इंटू 1 अपॉन वी, वॉल्यूम एक लीटर है, आर की वैल्यू हमें लगानी है 0.0821। आपको समझ गए होंगे इसका क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें अगर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल अगर इसकी यूनिट है तो हमारा प्रेशर जो निकल के आएगा वो पाई एटीएम में आएगा, और चूंकि कंडीशन सारी सेटिस्फाइड कर रहा है, टेम्परेचर कितना 300। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेशन काफी इजी है, ये बहुत तरीके से डाटा दिया हुआ है, और आफ्टर कैलकुलेशन जो इसका आंसर आएगा 7.38 एटीएम आएगा, 7.38 एटीएम। उम्मीद करता हूं पाई के न्यूमेरिकल आपने किए थे, अभी तक मैंने कहीं भी आई का इस्तेमाल नहीं करवाया। इस वीडियोस में और इसके आगे वाली वीडियोस में आपको यही बताने वाला हूं आई कैसे इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं अगले न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। सॉल्यूशन लिख लेते हैं और साथ में लिखते हैं गिवन, जो न्यूमेरिकल का एक पार्ट होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास। देखिए 7.45 ग्राम ऑफ KCl आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट क्लियर हो जाएगा आपको। तो WB आप देखेंगे यहां पर 7.45 और WA यहां पर लिखेंगे 100 ग्राम, ठीक है। KCl डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, फिर वही बात डिसोसिएट हो गया ना, मतलब आई आएगा, बताऊंगा कितना आएगा। व्हाट इज द बीपी ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का बीपी पता करना है, बीपी ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो आ जाइए पुराने न्यूमेरिकल को याद कीजिए, बीपी क्या होता था, कभी भी बीपी निकालना है तो आपको उसके लिए डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिए डेल्टा टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, जब तक आप डेल्टा टीवी नहीं निकालोगे आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सॉल्वेंट का बीपी हमें पता होता है, उसमें डेल्टा टीवी जोड़ देते हैं तो हमें सॉल्यूशन का बीपी पता चल जाता है। पुराने कंसेप्ट को भूलना नहीं है आप लोगों को, हमेशा याद रखना। देखिए ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, बीपी आपको पता करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी डेल्टा टीवी की। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, डेल्टा टीवी पे क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहेगा। हाँ, एक और चीज, ये KCl जो है पानी में जाके कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, साथ में Kb की वैल्यू दी हुई है जो आप लोगों को याद हो गई है 0.52 kg पर मोल। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो KCl है जब डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव और Cl है, ठीक है। KCl आपको डिसोसिएट होकर क्या मिलता है, K पॉजिटिव मिलता है, Cl नेगेटिव मिलता है, मतलब एक मोल लेके चले थे। आई का फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो आई हम लोग लेके चलने वाले हैं, वो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने, एक और एक दो, यानी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होगी डबल, इनिशियली लेके कितने चले थे एक। तो तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे आई के, किसी फॉर्मूले को लगा के आप निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल हम एक एक मोल लेके चले थे और हमारे पास मिलते कितने दो, तो यहां पर आई कितना हो गया टू, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू
केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब देखिए हमारे पास केसीएल का मोलर मास नहीं दिया है, केसीएल का जो मोलर मास लगाना है आप लोगों को वो लगेगा आप लोगों का जो कैलकुलेशन करने के बाद केसीएल का कितना आएगा। देखिए पोटेशियम का होता है 39 और ये होता है 35.5, टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा 9 5 14 और 74.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। तो डब्ल्यू बी एम बी हमें कैलकुलेट हो जाएगा पूरा, या फिर हम एम बी को इंक्लूड कर देते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ 74.5। ठीक है अब लगाइए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई कितना है हमारे पास 2, के बी कितना है 0.52 इंटू डब्ल्यू बी कितना है ये हमने लिखा था डाटा से 7.45 अपॉन 74.5 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए कितना है 100 ग्राम। तो देखिए कैलकुलेशन काफी इजी है, बहुत आसानी से कम टाइम में हो जाएगी सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी बी जो सॉल्व करके आने वाला है वो आएगा 1.04 केल्विन। आप केल्विन में रखें डिग्री सेल्सियस में रखें ये तो कोई डिफरेंस में दिक्कत नहीं आती है। हाँ फाइनल आंसर जो पूछा जा रहा है वो बीपी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। पानी का बीपी वे कितना होता है 373 प्लस डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा 1.04, तो बीपी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 374.04 केल्विन। दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर आप लोग आ चुका है, उम्मीद करता हूँ सेकंड न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से बोल सकते हैं यस न्यूमेरिकल आने लगे, आई की जो समस्या आती थी वो हमारी खत्म हो चुकी है। चिंता मत करिए आगे बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल आने वाला हूँ अगले वीडियोज में। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की। तो क्या है न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन। देखिए आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 मोलर NaCl। तो इसमें डाटा लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं सॉल्यूशन और यहां लिखते हैं गिवन। ये हमारा मेन काम है गिवन लिखने का। ठीक है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, समझ गए ना फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो डेल्टा टीएम निकालना पड़ेगा। मोलर 0.1 मोलर यानी कि मोलरिटी कितनी दे दी स्मॉल एम दे दिया 0.1 मोलर NaCl एक्वा सॉल्यूशन। डेल्टा टीएम निकालना तो निकालना है ना और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सारी चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देन एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट और ये बोला है KFG दिया हुआ है और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंट जानकारी ये दे रहा है कि पूरा सॉल्ट पूरी तरह से कंप्लीटली टूट जाता है। आई की वैल्यू जैसे हम निकालते आए हैं वैसे आपको बता रहे हैं कि जैसे KCl का है वैसे ही आप NaCl का भी बता सकते हो। देखो जैसे KCl है सेम टाइप है, ये भी AB टाइप है ना और NaCl भी AB टाइप है। इस तरह से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों एक ही कैटेगरी के सॉल्ट हैं, ठीक है मोनोवेलेंट सॉल्ट हैं कैटायन एनायन वाले, तो इसलिए इनकी आई की वैल्यू हमेशा सेम होगी। देखो ये एक मोल लिया था कितने टुकड़े दे रहा है, दो आइंस मिल रहे हैं मतलब नंबर ऑफ मोल्स दो हो गए तो 2/1 मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई कितना आ जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ आई आप निकालना सीख गए होंगे 100% एसोसिएट वाले के लिए। ओके अब हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, कोई बात नहीं फ्रीजिंग पॉइंट के तो क्वेश्चन पहले भी किए हैं बट ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आया कि इलेक्ट्रोलाइट आ गया है। देखिए हमारे पास टारगेट है डेल्टा टीएफ निकालने का, तो बच्चों देखिए डेल्टा टीएफ अकॉर्डिंग टू कंडीशन निकलेगा। हमारे पास मोलरिटी दी है डब्ल्यू बी एम बी वगैरह नहीं दिया है, कोई बात नहीं जो टर्म्स हैं जो जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड निकालने वाले हैं। क्या मिलने वाला है देखिए आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एफ, ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को ध्यान दीजिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई कितना हो गया 2, के एफ कितना हो गया 1.8, वैसे वाटर का 1.86 होता है बस जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे कंसीडर कर लेते हैं इंटू 0.1। तो देखिए डेल्टा टी एफ जब आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरे कैलकुलेशन को
तो कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंस ये आएगा 0.372, कितना आएगा 0.372 केल्विन। ठीक है, ये आपका डेल्टा टीएफ आ गया 0.372। अब क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट आप निकाल सकते हैं, आप इसे डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, -0.372 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना निकल के आएगा, माइनस का 0.372 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है सॉल्यूशन का। चलिए उम्मीद करता हूं ये थर्ड न्यूमेरिकल भी आपको स्मूथली आ गया होगा, क्योंकि ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको कराए हुए हमने। और अब बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पर, ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर डेसी नॉर्मल डेसी मोलर, इन वर्ड्स को भी सुन लीजिए, डेसी मोलर का मतलब होता है 1/10, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं गिवन डाटा में क्या क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई निकालना है पहला डाटा मिला है ना, ऑफ डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब कंसंट्रेशन होगी 0.1, है ना। मोलर एक होता मोलर यानी छोटी मोलरिटी हो जाती है, या बोला मोलर, मोलर का मतलब हो गया मोलरिटी, यस कैपिटल एल, है ना। ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl एट 300 केल्विन, टेम्परेचर भी दे दिया आपको 300 केल्विन, पाई पता नहीं करना है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है 4.628 PM। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्ट, मतलब इस बार आपको अल्फा पता करना है, ध्यान दीजिए। और आर की वैल्यू क्या लगाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि एटीएम में ये है तो 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, है ना, ATM लीटर पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट जो होती है। इसके बाद हम इसमें आई तो इस बार आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए NaCl का आई हमने आपको बता दिया कितना आता है 2। ओके, एक और चीज बता दें आपको, NaCl है, यहीं पे एक चीज और सीख लीजिए इसके लिए, वीडियो में मैंने आपको वेंटो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो याद आ जाएगा अगर आपने वीडियो देखी होगी। तो देखिए कैसे करते हैं, इनिशियली कितने लेके चले थे, इनिशियली मोल कितने थे 1 या ये थे 0। ठीक है, पुरानी वीडियो याद करिए, इनिशियली मोल से देखिए कितना 1, ये 0 गए, आफ्टर डिसोसिएशन क्या मिलेगा 1 में से अल्फा घट जाएगा, एक मोल में से अल्फा घट गया तो जितना घटेगा उतना ही प्रोपोर्शनलिटी में प्रोडक्ट बढ़ता है। तो आई का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेकिन आई कितना 1, तो आई कितना निकल के आया था 1 प्लस अल्फा, ये आई निकल के आया था इस तरह से। तो हमें एक्चुअली यह निकालना है, अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो उसके लिए आपको आई पता है, अल्फा लगा देना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ पे आई कितना लगेगा, देखिए आई यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, हमें समझ में आ गया NaCl का आई क्यों 2 होता है। देखिए अब हम लगाने वाले हैं पाई इज इक्वल टू, आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये उन सभी सॉल्ट के लिए होगा, ध्यान देना उन सभी सॉल्ट के लिए होगा जो कि AB टाइप के सॉल्ट होते हैं, इस तरह से NaCl हो KCl हो इस टाइप के किसी भी सॉल्ट के लिए आई कितना होगा 1 प्लस अल्फा, यहां पे लगा देंगे 1 प्लस अल्फा, है ना, पाई इक्वल टू आई सी आर और टी। ठीक है, पाई कितना दे रखा है यहां पे, पाई दे रखा है आपके पास 4.62 इज इक्वल टू, यस अल्फा निकालना है आप लोगों को, तो एक काम करते हैं यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू हमने लगा के रखी है यहां पे 1 प्लस अल्फा की, तो यहां से काम कर लेते हैं आई निकाल लेते हैं ना, इसमें आई इस तरह से एप्लीकेबल नहीं करेंगे, इसमें आई निकाल लो पहले सीधे सीधे, है ना, आई इंटू सीआरटी आई निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद लिख देते हैं, क्योंकि यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में
कि सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो आई टू होता है, लेकिन इस केस में बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा डिसोसिएशन या एसोसिएशन, इसलिए आई आप लोगों को नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे स्टार्टिंग नहीं लगाना, आई यहां से निकालेंगे कि क्या ऑब्जर्व आएगा। ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, आई इंटू सी कितना है 0.1 इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। आफ्टर कैलकुलेशन जो आई आने वाला आप लोगों का, वो आई आप लोगों को जो मिलेगा कैलकुलेशन के बाद, तो जो भी कैलकुलेशन हो आप लोगों के पास, 1 प्लस अल्फा रख के भी कर सकते हो आप लोग, है ना। तो आई जो मिल जाएगा आप लोगों को और अल्फा दोनों ही चीज कैलकुलेट करनी है, तो आफ्टर कैलकुलेशन आई में क्या मिलेगा 4.62 अपॉन 0.1 इंटू 0.082 इंटू 300। ये पूरा सॉल्व करके आई इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया था 1 प्लस अल्फा, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा लगा के ये पूरी कैलकुलेशन इसके सामने रख के हमें जो आंसर मिलने वाला है 821 इंटू 300, है ना। तो जो पूरा आंसर मिलने वाला है हमें इसके थ्रू, वो क्या मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन, जो मिलेगा अल्फा मिलेगा 0.878। देखिए कैलकुलेशन यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैलकुलेशन अगर आप लोग कर लेंगे प्रॉपरली, आई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे या ऊपर से लेके चलते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इजिली मिल जाएगी, वो भी 0.878। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए आगे तक वीडियोस में, अगली वीडियो का वेट करिए। तब तक चैनल को, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियोस को, लाइक करिए अगर पसंद आता है, अगर पसंद नहीं भी आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।